नौगांव सिविल अस्पताल में शनिवार को प्रसव के कुछ घंटों बाद महिला की मौत हो गई थी। गुस्साए परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। हंगामे के बाद मामले में नायब तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमले ने अस्पताल पहुंचकर पंचनामा बनवाकर शव का पीएम कराया था। इस मामले में एसडीएम ने बीएमओ से जांच कराने की बात कही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दौनी गांव की रहने वाली नंदकिशोर कुशवाहा की पत्नी बबलेश कुशवाहा को अचानक पेट दर्द हुआ। परिजन उसे प्रसव के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर महिला को भर्ती कराया और सामान डिलीवरी हुई। महिला ने बेटी को जन्म दिया और यह महिला का पहला प्रसव था। प्रसव के बाद अस्पताल प्रबंधन ने महिला को वार्ड में भर्ती कराया। भर्ती के बाद महिला ने नवजात को दूध पिलाने के बाद अस्पताल से मिलने वाले नाश्ते को किया, जिसके कुछ देर बाद अचानक से महिला की हालत बिगड़ी तो अस्पताल प्रबंधन ने महिला को रेफर कर दिया, लेकिन महिला छतरपुर जिला अस्पताल आ पाती इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। महिला की मौत पर परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने प्रसव के एवज में रुपए की मांग की थी। रुपए न मिलने की वजह से अस्पताल में मौजूद स्टाफ पर लापरवाही करने के आरोप लगाए गए। मामले की सूचना एसडीएम विशा माधवानी को लगी। उन्होंने तत्काल नायब तहसीलदार सहित राजस्व टीम को अस्पताल भेजा। राजस्व टीम में नायब तहसीलदार पूजा सिंह, हरनारायण शर्मा, पटवारी शामिल रहे। टीम ने पंचनामा तैयार किया और एसडीएम ने बीएमओ को नोटिस जारी कर पूरे मामले की जांच कर जवाब मांगा है। इस पूरे मामले में डॉक्टर प्रियंका चौहान का बयान भी सामने आया है, हम आपको सुना रहे हैं। वो महिला आई थी सुबह 7:30 बजे, ठीक है, पूरे उसका फुल डायलिटेशन में थी वो, मतलब बच्चा बिल्कुल सामने दिख रहा था जी। ऐसी स्थिति में उसकी डिलीवरी कराई सिस्टरों ने जो नाइट ड्यूटी में थी जी। और उन्होंने ये बोला कि सब कुछ ठीक था, कोई ब्लीडिंग नहीं थी, 2 या 3 टाँके लगे थे बस पेशेंट को, बच्ची भी बिल्कुल स्वस्थ थी। और फिर थोड़ी देर बाद जब सब कुछ हो गया तब महिला को शिफ्ट कर दिया गया और उसको चाय बिस्किट ये सब भी खाया उसने, ये सब मुझे सिस्टरों ने बताया। फिर जब मैंने पेशेंट को देखा, मैं ओपीडी देख रही थी, वहाँ पे उसकी हालत बिगड़ी लगभग 11 बजे के आसपास, तो मरीज़ के साथ वालों ने बोला कि वो हिल नहीं रही है। जब देखा तो मैंने पाया कि बीपी नहीं मिल रहा है, धड़कन बिल्कुल धीमी चल रही है। और फिर हमने उसको ऑक्सीजन, अम्बू बैग, ये सब चीज़ें, बॉटल, ये सब लगवाया, इंजेक्शन लगवाए ताकि उसका बीपी ऊपर हो जाए, पर कुछ भी नहीं हुआ। और आधे घंटे तक हम कोशिश करते रहे, उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाया, धड़कन धीरे 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 कम होके बंद हो गई, तो लगभग 12:45 बजे उसकी मृत्यु हो गई। बस इतना हुआ था। और उसके डिलीवरी के टाइम पे और ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, मतलब उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हुई हो या फिर उसको कोई दिक्कत आई हो डिलीवरी में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। परिजनों के आरोप हैं कि डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरती गई है, डॉक्टर्स के द्वारा देखा नहीं गया है इस मामले में। नहीं, डॉक्टर्स अभी, मैं तो स्पेशलिस्ट की ड्यूटी पे हूँ, मैं हर डिलीवरी नहीं देख सकती। जिस डिलीवरी में कोई दिक्कत आती है या कुछ होता है कि बच्चा नहीं आ रहा है, फंसा है, तो फिर मुझे बुलाया जाता है कॉल भेज के।